जो नई स्वीकृतियां आ रही है ये काम चलेगा जी, काम सब चल रहे हैं, लेकिन किसी को आप संतुष्ट जी तो होना ही नहीं है, तो आप संतुष्ट कैसे कर दोगे? सोते को उठा सकते हो, जागते को उठा पाएंगे। गंगोनगर से एक वीडियो जारी होती है। वीडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नौमान मसूद इस बात की सफाई देते हैं कि विपक्षियों का आरोप बेबुनियाद है, बिना किसी भेदभाव के नगर पालिका में विकास कार्य हो रहे हैं, और न केवल विकास कार्य हो रहे हैं, चाहो और विकास धरातल पे कार्य किया जा रहा है विकास का, किस तरह के आरोप है और विपक्षी चाहते क्या हैं, नौमान मसूद खेमा किस तरह का उसका जवाब देने जा रहा है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। पूर्व चेयरमैन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जे डी न्यूज के साथ में है नौमान मसूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुक्रिया। जरूरत क्या आन पड़ी, हाथ में मोबाइल लेकर नौमान मसूद बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, विकास कार्य हर जगह हो रहा है। नहीं, मैं असल में वो गंगो की नहीं है, मैं यही था सहारनपुर। बात गंगो की थी। कल कुछ कार्यक्रम में आया हुआ था जी, तो मुझे पता लगा कि साहब कुछ लोग वहाँ पे नगर पालिका पे इस बात के लिए धरना देने के लिए जा रहे हैं कि साहब हमारे काम नहीं हो रहे हैं। तो मैंने महसूस किया कि उन लोगों को मैं अवगत करा दूं, जनता को, शहर की जी, ये गुमराह करने के लिए लोग ड्रामे करते हैं जी, थोड़ा सा क्योंकि सरकारी काम है उसमें समय तो लगता ही है होने में जी, मान लिया प्रशासनिक अधिकारी मसरूफ है, बीच में कुछ कार्यक्रम रहे जैसे जी, नहीं हो पाया, मीटिंगें नहीं हो पाई हमारी, दीवार बहुत ज्यादा रहे जी, तो उस वजह से वो मीटिंग लेट होने की वजह से हमारी 15वीं आयोग की स्वीकृतियों में थोड़ा समय लगा जी, तो वो सारा पूरा हो गया और आज सोमवार है, आज उसका टेंडर निकल जाएगा 2-3 दिन में, जितने दिन का भी टेंडर होगा 8 दिन का 6 दिन का, प्रक्रिया पूरी होकर के काम शुरू करा देंगे। विकास के पहियों पे, विकास के पहियों पे ब्रेक लग चुका है, आरोप कौन लगा रहे हैं? नहीं, उनके लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है, विकास तो चल रहा है जी। आप अब भी जाके देख लिए, गंगो की सारी सड़कों पर पाइपलाइन पड़ रही है, चारों तरफ टंकियों का निर्माण हो रहे हैं, बोरिंग हो रहे हैं, नलकों के बोरिंग हो रहे हैं, ट्यूबवेलों के बोरिंग हो रहे हैं जी, जो सड़कें स्वीकृत है पहली वो बन रही है जी, जो नई स्वीकृतियां आ रही है ये काम चलेगा जी, काम सब चल रहे हैं, लेकिन किसी को आप संतुष्ट जी तो होना ही नहीं है, तो आप संतुष्ट कैसे कर दोगे? सोते को उठा सकते हो, जागते को नहीं उठा पाएंगे जी। ये लोग तो चाहे पूरी नगर पालिका इनके सामने पेश कर दूं, ये जब भी संतुष्ट नहीं होने के जी। दिक्कत नौमान मसूद से, नगर पालिका में काम नहीं हो पा रहे उससे, मुझे लगता है कि शायद इन्हें कुछ नौमान मसूद भी मौजूद से दिक्कत है, समझ भी नहीं आता। मैं किसी को कुछ कहता नहीं, और मेरी उम्र भी अब ऐसी हो गई कि मैं छिछोरपन की बात करूं या बचकानी बात करूं अच्छा नहीं लगता, एक मैच्योरिटी के साथ बात करनी चाहिए। तो इन लोगों, अब ये नए बच्चे हैं, इन्हें पता तो कुछ है नहीं, जनादेश को तानाशाही बताते हैं ये जी। अब कल मैं वीडियो देख रहा था, एक नाम ही क्या उसका, वो जो अपना बेचारा खुद ही नाम लेके इंटरव्यू देता है कि मैं ये हूँ और मेरे बाप, उससे तो उसकी सोच का पता लगता है ना, एक आदमी मीडिया पर बैठ कर खुद ही अपना नाम लेकर अपना परिचय देना शुरू करे। किताब गंगो के लोग 60 साल से इन्हें वोट क्यों दे रहे हैं, तो भाई लोगों से पूछ, मेरे से क्यों पूछ रहा है, तो मुझे कोई ऐसा घर बताओ जिसमें जिसकी इन्होंने मदद की हो, सबसे बड़ा घर तेरा है, अच्छा केजरीवाल में नहीं देख पा रहे, सबसे बड़ा तुम्हारा घर है भाई, तुम्हारे तुम कैसे इनकार कर दोगे मेरे घर ने तुम्हारी मदद नहीं करी। इस तरह क्या उन्होंने सवाल जवाब किए कि किसी गरीब की मदद करे, भाई गरीब की मदद करूं वो मेरे अल्लाह को पता, ना करूं मेरे अल्लाह को पता, तू कौन? वो तो पर्दे के पीछे की बात होती है, तो इसका क्या वास्ता मतलब पूछने का? विकास कार्यों की अलग बात होती है, विकास कार्य आप मेरे से अलग विषय है, और मदद विकास कार्यों की बात यह है, और निजी जीवन से बात है। 1,55,00,000 रुपए के काम विकास कार्यों के 15वीं आयोग से, और 2,15,00,000 रुपए के काम राज्य वित्त आयोग से अभी टेंडर के अंदर जा रहे हैं जी।
प्रस्तावित है हुए नहीं। प्रस्ताव हो गए हैं, ये टेंडर की प्रक्रिया में प्रस्ताव न होना की अलग बात है। जी जी जी, प्रस्ताव हो चुका, टेंडर स्वीकृत हो चुका है, टेंडर स्वीकृत होंगे बार में आएगा। लगभग 3-3.5 करोड़ का काम आप बता रहे हैं जी। अभी तक 2022 में जो आपके नगर पालिका बोर्ड का इस बोर्ड की पहली 15वीं की किस्त है जी। अभी तक कितने विकास कार्य हो चुके हैं वहाँ पे गंगो में? अब यूं तो काउंट करना अलग है, लेकिन करोड़ों रुपए के काम हो चुके हैं जी। 3.5 करोड़ रुपए के काम आप तो ये अब दे रहा हूँ मैं, जो पिछले हो रहे हैं वो भी करोड़ों रुपए काम थे जी। इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरे वार्ड में कोई काम हुआ हुआ मिला तो। जाके देख ले सड़क, मैं 2 महीने पहले ही बनवाई है, इसी अमन कॉलोनी बनवाई है, इसी अमन कॉलोनी पाइपलाइन डलवाया मैंने। आप बताते नहीं हो उनको कि भाई तेरे घर में बना दी मैंने सड़क, तेरे मोहल्ले में बना दी। मैंने आपको कहा आप सोते को जगा सकते हो, अगर कोई मगरा बन के पड़ जाए हिलाते रहिए पूरे को, उठने का नहीं वो तो। उन्हें इन्हें तो मानना ही नहीं है, इनके तो मिजाज में ये आ गया, वहां विपक्ष नहीं है, ये तीन चार मेंबरों का एक ग्रुप है जो सिर्फ इसी काम पे खड़े हुए हैं। बाकी और भी तो मेरे विपक्ष के सभासद हैं, वो भी नहीं बोल रहे हैं, वो भी तो अपोजिशन में ही है मेरे, लेकिन उनकी तरफ से आप कभी कभी आपने देखो तो वो अपने काम भी लेते हैं, अपनी बात करते हैं, पार्टी की पॉलिसी उनकी अलग है मेरी अलग है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन ये 4-5 लोग ऐसे हैं, इन्हें बेचारों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें पर्सनल खुंदक हो गई हो। गंगो के सियासी गलियारों में एक चर्चा रहती है कि जय नौमान मसूद अपने जेब में स्टाम्प समझ के रखता है चेयरमैन को, चाहे पुराने वाले, इससे पहले वाले चेयरमैन हो, इस बार वाले चेयरमैन हो, यानी कि जय आप चेयरमैन ही आप करते हो बात नौमान मसूद के। नहीं, मैं एक बात आपको वाक्य दे, मैं क्यों करूंगा, नहीं सर, मैं एक वाक्य आपको याद दिला रहा हूँ। पिछले टर्म का एक वाक्य है कि जय झंडा फहराने को लेकर वहाँ पे विवाद हुआ था, और जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ पुरानी मंडी होती थी वहाँ पे झंडा फहरता है, गंगो का मुख्य झंडा वहीं पे फहरता है, अगर मैं सही हूँ तो। झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ था, उसमें जय इनरोल किया था, किया गया था, प्रशासन को विजय लेटर दिया था, विवाद को लेकर बड़ा बढ़ावा दिया था, उसमें तमाम विपक्षी सभासद आपके खिलाफ हो गए थे, लेकिन सर पे पगड़ी बंधी हुई थी, बदन पे जैकेट पड़ी हुई थी, हाथ में खुली थी, और नौमान मसूद गाजे बाजे के साथ आ रहे थे, लेटर पे लिखा हुआ था मैं अपने प्रतिनिधि को झंडा फहराने की इजाजत देती हूँ। मेरा नहीं, ये लोग आरोप लगा रहे थे, उन्हें संविधान की जानकारी नहीं है जी। संविधान के अंदर आप किसी भी झंडारोहण के लिए प्रतिनिधि का मतलब भी कुछ नहीं होता जी। आप किसी भी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए इनवाइट करें, क्या मेरी संस्था आपके यहाँ स्कूल होते हैं बुलाते हो, नहीं बुलाते कि भाई फला आदमी आकर के हमारे झंडा रोहण कर दे जी। वो तो उस समय उस जमाने में ये होता कि मुझे, क्योंकि पूर्व चेयरमैन होने के नाते उन्होंने मौजूदा अध्यक्ष चचिर हुसना ने इन्विटेशन भेजा था कि ध्वजारोहण आप कर दें, तो उस इन्विटेशन पर मैं वहां गया था, उन्होंने आपत्ति जताई थी। ये लोग तो आपत्ति जताते हैं, तो ऐसे तो बोलते हैं कि अपनी जेब में रखते हैं चेयरमैन को। आप अगर आप वो लेटर लिखवा लेते हैं बस, मैं ये क्या बात होगी, अगर मैं आपको इनविटेशन किसी बात का भेजूंगा तो वो तो मैं बुलावा आएगा ना, अधिशासी अधिकारी लिख के भेजेगा जी, वरना उसे मैं थोड़ी लिख के भेजूंगा जी, वो तो यू लिख के भेजेगा जी। दूसरी बात ये है कि उसके बाद अगले साल अगली उसमें जब आए तो हमने कहा भाई इस विवाद को खत्म करो, हम चची को ले आए, लो जी अपने हाथ से करो, उनके हाथ में रसीद भी खिंचवा दिया। चेयरमैन कोई भी टारगेट आपको बनाया जाता है, ये बात ये नहीं, आपने भी कहा कि चेयरमैन की बात, गंगो की जनता नौमान मसूद से मोहब्बत करती है, उसके घर से मोहब्बत करती है, तो ये तो ऊपर वाले कर्म है ना, इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों है? मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दो पेट के दर्द के लिए, मोहल्ला क्लिनिक भी खुल जाएगा, अब तो सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बढ़िया कर रखी है, झोला छाप बंद करके, झोला छाप तो बिल्कुल बंद हो जाए, झोला छाप की कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, कई हादसे हो चुके हैं, पाबंदी लगनी चाहिए, पाबंदी क्या, जांच होनी चाहिए, जो ऑथराइज्ड है वो काम करे, अनऑथराइज्ड काम नहीं करना चाहिए। तो विपक्षों को जो आपके उंगली उठा रहे हैं, आपके विकास कार्य पर उंगली उठा रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे जेडीएस उसके बाद? नहीं नहीं, मैं उन्हें तो विपक्ष बेचारों यही कहूंगा अपने सभासद साथियों से, क्या इतना संख्या बल लाओ के बोर्ड में पास करा सको, और जब तुम्हारे पे इतना संख्या बल नहीं है कि तुम बोर्ड में पास करा सको तो भी ड्रामेबाजी मत करो। अनक चलती है नौमान मसूद की? अनक का क्या अनक चलती, मैं तो सबको प्यार करता हूँ, मैंने कहा ना, मैं दो
एक लोकदल के नाम से विपक्ष है, एक भाजपा के नाम से है, एक हमारी पार्टी का है। तो सवाल यह है कि जो भाजपा वाले हैं वो कहाँ हैं, जिनकी सत्ता है वो तो कहीं नजर नहीं आते ना। सत्ता की बात करें, आप सत्ता की बात करें, सभासद भी हैं, कोई वहां पे इतना बड़ा विपक्ष आप बता रहे हैं, रालोद का विपक्ष बता रहे हैं आप, भाजपा का विपक्ष बता रहे हैं, कोई एक केल का विकास कार्य भी लेकर आए हैं वहां पे, कोई ईंट का पत्थर नहीं है, सब वो कुछ नहीं है, वो मैं दिया किसी ने कुछ नहीं, अपने मंत्री से किसी से ना 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 दिया किसी ने, गंगो विकास रहमान मसूद काम नहीं कराता इनका तो भाई। एक दिन मैं आप कभी बोलते सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पानी भर गया, तो मेरे एक पत्रकार साथी ने लिखा कि नौमान मसूद ने नालों की सफाई नहीं कराई, इसलिए हाईकोर्ट में पानी भर गया। तो गंगो का सर वादक, इन्हें असल में बेचारों को ये पूरे दिन मेरे लिए लगे रहते हैं, रात को मार के चले जाओ, सुबह को फिर जिंदा हो जाओ आप, जिंदा भी लोग काम हो रहा है। कश्ती तो चलाई जा सकती है गंगो में बरसात के दिनों में, क्यों चलाई जाएगी, सड़कों पर चलेंगे, कहाँ है पानी, इनके कहने तो थोड़ी हो रहा है। सर मैं एक दिन गंगा में फंस गया था, 10 मिनट के बारिश आई थी, पानी हो गया, हालांकि थोड़ी देर बाद में रेडियो भी हो गया वो। देखिए ऊपर वाला रहमत देता है, मैं बारिश को रहमत मानता हूँ जी, मैं मुसीबत नहीं मानता बारिश को जी, ऊपर वाला रहमत देता है, पानी आएगा भी भरेगा भी निकलेगा, हमने निकालने की व्यवस्था कर रखी है, व्यवस्था कर सकते हैं, निकल गया। और ये तो पानी पे आपने याद दिलाया कि इस बार का बोर्ड तो कुदरत ने कुछ ऐसा फैसला सुना है, जिन वार्डों में पानी भरता था जी या जो पानी से प्रभावित होते हैं, एक तरफा वो वार्ड में जीत कर आया हूँ, पानी वाले वार्डों ने आपको जिता दिया, ले भाई तुम भी बन जाओ जी। और जो इनके यहाँ पानी का बूंद भी नहीं जाता, और जो कैमरे लेकर के घूमते थे वहाँ नुकसान हुआ है, वहाँ मुझे नुकसान हुआ है। चलिए एक बात और आपको याद दिला देता हूँ, आश्वासन बहुत देते हैं आप लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। जैसे 2017 में मैंने वहाँ पे मेरे पत्रकारों ने एक बात आपको कही थी और आपके बीच में भी हम लोग गए थे कि जय हमारे गुरु गंगो में जब हम स्वागत गेट पे जाते हैं बड़ी बुरी हालत में लगी हुई है, मैं मानता हूँ कि जय कई सारे साल उसमें बीत चुके हैं, आप या तो ध्यान नहीं देना चाहते पत्रकारों की बात पे या सम्मान नहीं देना चाहते जी, कुछ तो वजह रही होगी सर। बात सुनी है उसमें मैंने जो कार्रवाई मेरी तरफ से हुई, असल में थोड़ा सा अग्रणी आदमी प्रमोद भारती थे उसमें जी, अब आपको अग्रणी चाहिए, आदमी काम करने वाले चाहिए ना, तो सर वहां आए हम समझे, सर आपकी जिम्मेदारी दे तो दी थी, बात तो सुन लीजिए। मैंने वो जगह जहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा लगी हुई है वो जगह किसने दी, आप ये मत कहिए वो जगह किसने दी, वो सरकारी लैंड पर नहीं लगवाई थी मैंने, मैंने किसी से जमीन दे के दिलवाई थी, वो वहां पर हम कुछ और लगाना चाहते थे, पत्रकार भाइयों ने कहा मेरे से आकर के कि भाई हमारे गुरु जी की प्रतिमा रखवा दी है, हमने स्वीकार किया। वो वहां पर मैंने 100 फुटा तिरंगा झंडा जी स्थापित करने के लिए जी प्रस्ताव कर रखा है, जिन्हें हमजा ने कराया था बेटे ने जी, तो वो लगेगा जी। और कुछ शासन में वो डीएम स्तर पर कुछ फाइल थोड़ा सा विवाद था इसमें जी, लैंड को लेकर के वो विवाद आज तक नहीं, मैंने उसमें पत्रकार भाइयों से कहा भी था कि भाई मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ थोड़ा, प्रशासन से आप भी बात कर लो जी, ताकि आपकी ये समस्या जो है ये सर उसका सौंदर्यकरण हो रहा है, उसमें छतरी वतरी लग रहा है थोड़ा सा, हमारा इतना रहता है सर हम लोग उसमें कुछ थोड़ा सा ऐसा, मैंने भी एक्सेप्ट कहा ना जी, थोड़ा सा विवाद था उसके अंदर जी जी हाँ, उसको मैंने किसी हद तक मैंने अपने स्तर से निपटा लिया, लेकिन थोड़ा सा प्रशासन की मदद जरूरत पड़ेगी, वो ऑफ द रिकॉर्ड में आपको बता दूंगा जी बिल्कुल, उसमें आप पत्रकार भाई थोड़ा मेरा मदद कर सर। एक आपने जो वहाँ पे जगह दी है मीडिया हाउस के लिए सर, उसका थोड़ा निर्माण पर थोड़ा देखिए, मैंने उसका अभी आए थे अध्यक्ष जी आपके, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा भैया आपका ये निकलवा लो, उन्हें बताया था और वो अपना काम करने, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है जी, नक्शा वक्शा उसका दे देंगे, हम पास कर देंगे जी, जो उसका नियमानुसार तरीका होगा हम कर देंगे जी। चलिए हमने तो अपना काम सारा पूरा कर रखा है जी, और मैं समझता हूँ गंगो से ज्यादा पत्रकार भाइयों को जी पैसा तो मैं कहता नहीं, सम्मान में कमी नहीं है सर, पैसा पत्रकारों को चाहता भी नहीं है आपसे, सम्मान के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई पत्रकार बताए जिसके लेखने जाए पैसे के लिए रुकी, सम्मान के लिए हम लोग घर से निकलते हैं, इसलिए मैंने तो पहली कहा वो मैं कहता नहीं, लेकिन सम्मान में मेरे यहाँ पत्रकार भाइयों की कोई कमी नहीं है जी। तो ऐसे नौमान मसूद साहब वरिष्ठ नेता है, गंगो नगर पालिका को लेकर जिस तरह की
आरोप प्रत्यारोप का दौर वहाँ पे जारी है। इनका कहना है कि समान रूप से विकास कार्य कराया गया है और पत्रकारों के लिए भी एक अच्छी बात उन्होंने बोली है कि गंगो नगर पालिका या गंगो नगर में अगर किसी पत्रकार का कोई सम्मान में कमी आई हो तो आके मेरे को बताए। गुरु जी की प्रतिमा पे सौंदर्यकरण होने का आश्वासन फिर से दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया हाउस पर भी जल्दी जातुल रूप से कार्य किया जाएगा, हल्की और ओछी राजनीति ना करें, ऐसी अपील आप कर रहे हैं। जी डी न्यूज़ के माध्यम से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।